दोस्तों, हम कभी ना कभी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, चाहे वो जॉब के फॉर्म हो या फिर पासपोर्ट अप्लाई का फॉर्म हो या फिर पैन कार्ड बनवाने का फॉर्म हो। वहाँ पर हमें अपना एक फ़ोटो देना होता है, जिसका हमें साइज रिसाइज करना पड़ता है, जिसकी केबी हमको कम करना पड़ती है, जो उसका एक्चुअल साइज होता है उसको हमें रिसाइज करना पड़ता है। ऐसे में हमको नहीं पता होता है कि हम किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर लैपटॉप के ज़रिए उस फ़ोटो को रिसाइज कर पाएँ। तो ऐसे में हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि हम किस तरीके से अपने सिग्नेचर को, फ़ोटो को रिसाइज करके अपने उस फॉर्म में लगा दें। हम जब भी अपलोड करते हैं तो वहाँ पर एरर आ जाता है कि आपका फ़ोटो बड़ा है या फिर साइज़ में छोटा है या फिर आपका फ़ोटो केबी में ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने फ़ोटो को कैसे रिसाइज कर सकते हैं, कैसे आप अपने फ़ोटो की केबी और जो एमबी है उसको कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से अपने फ़ोटो के साइज़ को कैसे कम कर सकते हैं। तो और जब आप अपने फ़ोटो को रिसाइज करेंगे, तभी आप कहीं भी फॉर्म में उस फ़ोटो को लगा पाएंगे, या फिर सिग्नेचर को आप रिसाइज करेंगे तभी उस सिग्नेचर को आप अपलोड कर पाएंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे जिसको आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सिर्फ कुछ ही मिनटों में अपने फ़ोटो सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि आप अपने इमेज के साइज को कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका नाम है इमेज रिसाइजर। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का कुछ ऐसा इंटरफेस है, अगर आप किसी भी इमेज का एक्चुअल साइज बनाना चाहते हैं, जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं इमेज को, वहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या साइज मांगा गया है और वो यहाँ पर आप बना सकते हैं। सिंपली आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली हम इसको करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, गैलरी से भी फ़ोटो यहां पर अपलोड कर सकते हैं, फ़ोन से खींचकर भी यहां पर आप इसको उसके फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर गैलरी से एक फ़ोटो यहाँ पर ले लेते हैं और उसको रिसाइज करके हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको गैलरी में उस फ़ोटो का साइज़ दिखा देते हैं कि साइज़ क्या है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। इस फ़ोटो का हम साइज़ यहाँ पर चेंज करने वाले हैं, तो सिंपली यहाँ पर सबसे पहले आप डिटेल में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस फ़ोटो का साइज़ 3880x5184 पिक्सल है। तो सिंपली हम यहाँ पर इसको चेंज करके आपको दिखा देते हैं। तो उसके लिए हम फिर से इस एप्लीकेशन में चले जाएँगे और इसी फ़ोटो को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इस फोटो को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें जितना इसकी विड्थ रखना है और जितनी हाइट रखना है, ये विड्थ का ऑप्शन है और ये हाइट का ऑप्शन है। तो सिंपली यहाँ पर विड्थ वाले ऑप्शन में हम आपको विड्थ डाल देते हैं। मान लीजिए इसकी विड्थ हमें 500 रखना है और हाइट यहाँ पर हमें इसकी 600 रखना है। अब यहाँ पर हमने ये सेट कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड का। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका साइज़ चेंज होके और आपका जो इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर गैलरी में आकर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर इसकी डिटेल हम आपको चेक करवा देते हैं। यहाँ पर देखिए 500x600 पिक्सल, यानी कि इसका साइज़ जो है वो चेंज हो चुका है। फ़ोटो हमारा वही है और इसका साइज चेंज हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी इमेज को आप अपने मनचाहे एक्चुअल साइज में उसको बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा हम आपको बताते हैं कि बहुत सारी वेबसाइटों पर जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, चाहे वो आधार कार्ड के लिए हो या फिर पैन कार्ड के लिए हो या फिर किसी जॉब के लिए हो, तो वहाँ पर एक सिग्नेचर का और फ़ोटो का एक एक्चुअल जो है एमबी होता है, केबी होता है, यानी कि इतने केबी से ज़्यादा अगर आपका फ़ोटो या फिर सिग्नेचर है तो वहाँ पर अपलोड नहीं होता है। तो कोई भी किसी भी चीज़ की एमबी और केबी को रिड्यूस करने के लिए आपको सिंपली एक एप्लीकेशन मिल जाता है क्यू रिड्यूस करके, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वरना इसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली क्यू रिड्यूस एप्लीकेशन, इसको जब आप ओपन करेंगे, क्यू रिड्यूस लाइट करके इसका नाम है, यहाँ पर जिस भी फ़ोटो का आप यहाँ पर एम बी कम करना चाहते हैं, के बी कम करना चाहते हैं, उसकी जो क्या नाम एम बी है, के बी है, तो उसको अगर आप जैसे कि मान लीजिए 1 एम बी का कोई भी फ़ोटो है, उस
उसको आप 50 KB या फिर 100 KB में लाना चाहते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर उस फ़ोटो को चूज़ कर लेना है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर जो है दिखा देते हैं, प्रूफ दिखा देते हैं कि यहाँ पर किस फ़ोटो का हम यहाँ पर KB कम करने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पर डिटेल में जाएंगे तो ये फ़ोटो जो है, ये हमारा फ़ोटो आप देख सकते हैं 7.21 MB का है, यानी कि 7.21 MB का ये फ़ोटो है। अब यहाँ पर इसको हम छोटा करने वाले हैं, इसकी MB को हम KB में लाने वाले हैं। तो सिंपली हम फिर से इस एप्लीकेशन पर चले जाएंगे और चूज़ फ़ोटो के ऑप्शन पर जाएंगे और गैलरी वाले ऑप्शन में जाकर इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जो भी हम इसका साइज रखना चाहते हैं, इसका साइज हम 600 KB रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम टाइप कर देंगे, उसके बाद स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जब तक ये वेट लिखा हुआ आता है तब तक हमें यहाँ पर वेट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर वेट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, कंप्रेस्ड फाइल साइज 587 KB, यानी कि यहाँ पर इसने जो है हमारा फ़ोटो तैयार कर दिया है। अब इस फ़ोटो को हम अपनी गैलरी में जाकर देख सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर गैलरी में जाएंगे और इसको देखेंगे कि ये फ़ोटो की जो MB है वो KB में आया है या नहीं आया है। यहाँ पर आप इस फ़ोटो के साइज़ को देख सकते हैं, यहाँ पर जाकर डिटेल में जब हम जाएंगे तब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 602 KB का हो गया है। दोस्तों ये 7.21 MB का था, इसको हमने रिड्यूस करके 602 KB में बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप आसानी से किसी भी फ़ोटोज़ के साइज़ को और उसकी MB और KB को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान मेथड है। दोस्तों इन एप्लीकेशंस को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।